हेलो आयुष। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी और कोई नहीं आया? नो सर। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, कैस्केड स्टाइल सीट में अर्थात सीएसएस के अंतर्गत, वह है बैकग्राउंड। जैसे कि एचटीएमएल में हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज सारी चीजें देखते थे, उसी तरह से सीएसएस में भी हम लोग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का जो यूज होता है वो बेसिकली होता है वेब पेज में बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। मीन्स जो वेब पेज है हमारा, जिस पेज को हमने डिजाइन किया है, उसके बैकग्राउंड को कैसे सेट करेंगे, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। सीएसएस बैकग्राउंड को हम कई सारी प्रॉपर्टीज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर जो बैकग्राउंड है वो बॉडी एलिमेंट्स में डिफाइन किया जाता है। मीन्स जैसे एचटीएमएल में याद हो तो बॉडी टैग में हम लोग बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स यूज करते थे, उसी तरह से इसमें भी बैकग्राउंड्स को बॉडी एलिमेंट्स में ही डिफाइन किया जाता है, जो हमारे इंटायर पेज में अप्लाई हो जाता है। और यदि हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए लाइन है, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए बैकग्राउंड सेट करना है तो हम उसके लिए भी सेट कर सकते हैं। सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन एलिमेंट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन पे बैकग्राउंड्स के इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की यूज करते हैं। There are five CSS background properties that affects the HTML elements. जो HTML elements को affect करते हैं background property, कितने प्रकार की हमारे पास? Five types की है। First, background color. Second, background image. Third, background repeat. Fourth, background attachment. And the fifth, background position. ये five properties है हमारे पास, background color, background image, background repeat, background attachment and the background position. तो सबसे पहले अपन देखते हैं CSS background color. ये क्या होता है एक्चुअल में? हम CSS बैकग्राउंड, सॉरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है हमारे में, स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर, ऐसा ही CSS बस हमें भी नहीं शो हो रही। अभी तक आपने क्यों नहीं बताया सर? आगे हम ज्वाइन हुए ना, तभी हमने कहा सर पता नहीं। अभी हाँ सर, अभी स्टार्ट हुई है, अभी शो हो रही है सर, स्टार्ट हो रही है अभी।
स्टार्ट हो रही सर, अभी आई नहीं है। हाँ सर, अब आ गई। अब आ गई। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज जो किया जाता है वो बैकग्राउंड इफेक्ट को एलिमेंट्स में करने के लिए किया जाता है। देर आर फाइव सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? फाइव टाइप्स की है जो एचटीएमएल एलिमेंट्स को अफेक्ट करती है। फर्स्ट है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट्स एंड द बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं सीएसएस बैकग्राउंड कलर। क्या होता है सीएसएस बैकग्राउंड कलर? यदि किसी भी एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को, द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एलिमेंट्स, मीन्स बैकग्राउंड के कलर को स्पेसिफाई करने के लिए या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बैकग्राउंड को स्पेसिफाई करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सिंटैक्स है इसका बैकग्राउंड कलर और कलर कोड, ठीक है। तो आइए अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमें नोटपैड हमको चाहिए होगा। सर फिर से स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ हाँ एक मिनट, जस्ट वो भी नोटपैड ओपन नहीं हुआ है, ठीक। नोटपैड दिखने लगा आप लोगों को? नो सर अभी नहीं। अभी? हाँ सर अभी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। यस सर दिखने लग गया। ठीक है तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। HTML, ठीक है। हेड टाइटल, अब टाइटल में हम क्या करेंगे? सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, सीएसएस बैक प्रॉपर्टीज, ठीक है। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हेड के पहले चूंकि हमें क्या लेना है, हम स्टाइल को क्योंकि पेज में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल, अब स्टाइल में हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए एक कोई भी वेरिएबल ले ले, सपोज दैट मैंने ले लिया पी, ठीक है। अब P के लिए मैं कोड लिखूंगा पहले। तो P में मैं क्या करना चाहता हूं, बैकग्राउंड कलर ठीक
ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या कर दूं यहां पर, मान लीजिए एक्वा कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक। इसके बाद स्टाइल, स्टाइल क्लोज हो गई और आपका हेड क्लोज हो गया, देन बॉडी स्टार्ट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक पैराग्राफ लेंगे, पी सपोज दैट कॉलेज का नाम लिख दिया हमने, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, ठीक है, ये हो गया, मैंने यहां पे पी को क्लोज कर दिया, ठीक है, बॉडी क्लोज, ठीक, और स्टेबल क्लोज हो गया, ठीक। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव मान लो कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये बीजी कलर है, आउटपुट को दिखा, कुछ आउटपुट दिख रहे, यस सर, यस सर, क्या दिखा सर, इसमें टेक्स्ट दिख रहा है सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, और सर बैकग्राउंड में इसके सर ब्लू है, एक्वा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे दिया हुआ, यदि आप क्या करना चाहते हैं, पूरे बैकग्राउंड का देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बोलिए सर, बॉडी टैग में यूज कर देंगे, हाँ बॉडी टैग में यूज नहीं करेंगे, बॉडी लिख बस देंगे, जी जी वही मतलब बॉडी लिख देंगे, ठीक है जी, और लेकिन अब चूंकि इसमें दोनों का कलर सेम हो जाएगा तो सॉन यहाँ पे लिख देंगे बॉडी, और जो भी कलर देना चाहे फिर पी का हटा के वो कलर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी कलर को दे सकते हैं। अब मेन है इसका इमेज का, बैकग्राउंड इमेज, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब हम पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड है हमारे सामने उसकी इमेज के द्वारा बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हैं, और ये जो डिफॉल्ट रूप से इमेज पूरे एलिमेंट्स को कवर करती है, एलिमेंट्स पूरे बैकग्राउंड को कवर करेगी, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको करेंगे, देखिए सिंटैक्स ऑफ बैकग्राउंड इमेज URL, URL का मतलब जो पाथ होगा, paper1.gif ये आपकी उसका पिक्चर का नेम है,
और मार्जिन लेफ्ट से कितना छोड़ रहे हैं आप, 100 PX छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं छोड़ना है मत छोड़िए आप, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब बैकग्राउंड इमेज को कैसे अपन करते हैं, बैकग्राउंड इमेज इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। दिख रहा है प्रोग्राम? यस सर। हाँ अब देखिए बैकग्राउंड इमेज, मान लीजिए किस पे बैकग्राउंड इमेज जाएगी, भी बॉडी पे जाएगी, ठीक है। यहां पर ये क्या लिख देंगे, पी की जगह क्या लिख देंगे, बॉडी लिख देंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर की जगह क्या लिख देंगे, यहां पर इमेज लिख देंगे, बैकग्राउंड इमेज। और इमेज यूआरएल, क्या यूआरएल का उसका पाथ क्या है, मान ली अब हमको देखना पड़ेगा कि हमारे में कौन सी कोई इमेज पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो मैं एक मिनट देख लेता हूं। वो आप जिस फोल्डर में होंगे उसी में वो इमेज आपकी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ए डॉट पी एन जी, मान लीजिए ए डॉट पी एन जी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसको जो है मैं एच वन कर दूं, क्योंकि वहां पर ये एच वन, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, क्लियर। अब आउटपुट की तरफ चलते हैं। अभी आउटपुट आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्या आउटपुट दिख रहा है अभी सर, वही बैकग्राउंड वाला दिख रहा है। अब यूआरएल में कहीं कोई, एक मिनट, नहीं जस्ट यूआरएल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। अभी कुछ दिख रहा है? यस सर। अब क्या दिख रही है, अब एक पूरी पिक्चर, पूरी पिक्चर दिखने लगी होगी? यस सर। ठीक, अब यहीं पर मैं कलर भी बताए दे रहा हूं आपको। बैकग्राउंड देखिए, कोड 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 दिख रहा है, कोड दिख रहा है? हाँ यस सर, दिख रहा है कोड। कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए अब आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हैं, ब्लू, ठीक है, सेव किया। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या, आवाज मेरी आ रही है आप लोग पास? हेलो, यस सर, यस सर, दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? यस सर, ठीक है। तो इस तरह से हम, यस सर, कलर, हाँ कलर और प्रॉपर्टीज दोनों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, CSS बैकग्राउंड रिपीट। यदि मैं बैकग्राउंड को क्या करना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन रिपीट ये कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है, एक हॉरिजॉन्टली होती है और दूसरी क्या होती है, वर्टिकली होती है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर सकता हूं और वर्टिकली भी रिपीट कर सकता हूं। तो हॉरिजॉन्टली रिपीट कैसे होगी और वर्टिकली रिपीट कैसे होगी, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि कुछ इमेजेस सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है और कुछ वर्टिकली रिपीट होती है,
लेकिन हम उनको अपने हिसाब से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट एक्स मतलब आपका हॉरिजॉन्टल और वाई मींस वर्टिकल, ये दो तरह से हम रिपीट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। ठीक है, सिंटैक्स इसका देखो, बैकग्राउंड रिपीट एक्स हॉरिजॉन्टल रूप में, ये आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, और ये बैकग्राउंड रिपीट वाई मतलब वर्टिकल, ये ठीक, ये कोड आपको दिख रहे हैं। मैं जस्ट बिल्कुल छोटे छोटे कोड में इसको आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल देखिए आप लोग, मान लीजिए मैं इसी पे बॉडी बैकग्राउंड इमेज लेकिन इमेज और एक छोटी इमेज में देख रहा हूं यहां पर सी करके है मेरे पास, मान लीजिए सी डॉट जेपीजी। ठीक है, ये वहीं पे रुक गया कौन, ये सर वही वाला पेज आपने चेंज कर लिया शायद इमेज वाला, लेकिन अब सही है, आ गया सर, ये आ गया। ठीक है, ये देखिए, अगर ये आपको बैकग्राउंड इमेज यूआरएल c.jpg दिख रही है ना, ये दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, यस। मैं इसी को रन कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसी को, देन इसके बाद मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूं क्या करना। अभी स्क्रीन कौन सी दिख रही है, अभी सर वही ब्लू दिख रहा है, अब कौन सी दिख रही है, जो आपने सेलेक्ट की थी सी, छोटे 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 टुकड़े दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, क्योंकि वो इमेज छोटी है इसलिए कई टुकड़ों पे दिख रही है। अब मैं यही दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यूआरएल c.jpg, लेकिन मैं इसको बैकग्राउंड को रिपीट करना चाहता हूं, कैसे जरा ये देखिए, बैक ग्राउंड रिपीट, सॉरी मतलब स्क्रीन रुक गई है सर, फिर से रुक गई, ओके ओके ओके, अभी आ गए सर, हाँ, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, कॉलन, अब मैं इसको किस उस पर रिपीट करना चाहता हूं, सबसे पहले वाई पे रिपीट वाई, ओके, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, और आपको लेके चल रहा हूं ये स्क्रीन, ये नॉर्मल स्क्रीन, जब मैंने बैकग्राउंड को रिपीट नहीं किया था तब की स्क्रीन है, मैंने बैकग्राउंड लेके रिपीट करके ये कर रहा हूं, अभी समझ में आए जी, यस ठीक है, ये वाई मतलब वर्टिकल, अब मैं इसी को एक्स पे कर रहा हूं, तो वाई की जगह सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वाई की जगह मैं लिखूंगा एक्स, ये ठीक है, दिख रही स्क्रीन, यस सर, हाँ, अब इसकी जगह मैंने एक्स लिखा, अब मैं इसको लेकर फिर से चल रहा हूं, सॉरी सेव कर दूं पहले, ये अभी ये वाई वाली थी ना, अब मैं एक्स लिख के आया हूं वहां पे, ठीक है, और ये लीजिए, समझ में आया क्या, यस सर, समझ में आया, कोई डाउट, नो सर, नो सर, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसको इतने आप लोग तीन चार प्रोग्राम हो गए, चार पांच, इनको आप लोग करिएगा, कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस करिएगा, बाकी के दो बचे हुए मैं बचे हुए और साथ में कुछ और उसके साथ ऐड करके कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं किसी को, नहीं सर, ओके, थैंक यू।